Welcome everyone. Today I am going to teach you NIOS 10th Standard English Chapter Number 12 Indian Weavers. Let's begin. Have you ever noticed that people wear clothes of varied color on different occasions? So, student, आपने कभी notice किया है कि जो है अलग अलग तरह के लोग अलग अलग occasions पे अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. This variation in colors also indicate the डाइवर्सिटी इन कल्चर एंड रिलीजियस कम्युनिटीज ये जो कलर्स है वो हमें शो करते हैं कि ये अलग अलग कल्चर्स के है रिलीजियस की कम्युनिटी है फॉर एग्जाम्पल हिंदू ब्राइड इन नॉर्थ इंडिया वेयर रेड क्लोथ्स अगर हम देखते हैं जो हिंदू दुल्हन है वो नॉर्थ इंडिया या उत्तर प्रदेश के लोग जो है शादियों में खासकर दुल्हन को लाल कलर के कपड़े पहनाते हैं जो भी उनका लाचा होता है या सारी होता है वो लाल कलर की होती है इन केरला दे वेयर व्हाइट क्लोथ्स और केरला में व्हाइट पहना जाता है सफेद पहना जाता है क्रिश्चियन ब्राइड ऑल्सो वेयर व्हाइट क्लोथ्स जो क्रिश्चियन है जो ईसाई है वो भी व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं शादी में खासकर दुल्हन व्हाइट पहनती है अस नाउ रीड अ पोयम बाय सरोजनी नायडू आइए हम ये कविता पढ़ेंगे जो सरोजनी नायडू ने लिखी है wavers waving at break of day why do you waves a garment so gay blue as the wing of helcon wild we wave the rope of a newborn child so यहाँ पर जो है सरोजनी नायडू जो है जो कपड़े बनाते हैं उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं weavers waving at ब्रेक ऑफ डे यानी कि इतनी सुबह इतने सुंदर कपड़े तुम क्यों बना रहे हो वीवर्स वीविंग एट अ ब्रेक ऑफ डे व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे यानी कि इतनी सुबह इतने सुंदर कपड़े क्यों बना रहे हो सो so, आगे वो बोलती है ब्लू एज द विंग ऑफ हेलिकॉन वाइल ये ऐसे इस तरह से लग रहा है जैसे कि कोई बर्ड है हेलिकॉन उस बर्ड्स का नाम है जो, जो के उसके जो पंख होते हैं उतनी उत, उस तरह का वो दिखाई दे रहा है तो वहां पर जो है जो कपड़े बनाते हैं वो उन्हें जूलहा कहते हैं वो आंसर uh, देते हैं वी वेव द रोब्स ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड ये जो हम कपड़ा बना रहे हैं ये न्यूबोर्न बेबी के लिए बना रहे हैं इतने सॉफ्ट कपड़े वो बना रहे हैं न्यू बोर्न बेबी के लिए सो फर्स्ट हंडा में जो है सरोजनी नायडू क्वेश्चन करते हैं कपड़े बनाने वाले से और फिर वो आंसर्स देते हैं ओके okay? सो so, मैं अगेन रीड करती हूँ वेवर्स वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे वाई डू यू

चमकीले कपड़े क्यों बना रहे हो ओके एट फॉल ऑफ नाइट वाई डू वी वेव अ गार्मेंट सो ब्राइट इतने चमकीले कपड़े रात के समय क्यों बना रहे हो लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी वेव द मैरिज विल ऑफ क्वीन उसका मतलब है वो जवाब देते हैं कि मैं रानी की शादी के लिए ये कपड़े बना रहा हूँ ओके सो यहाँ पिकॉक का पिक्चर है सो so, जब हम देखते हैं दुल्हन का जो जो भी सरारा या जो भी साड़ी वो पहनते तो वो टोटली एक शाइनिंग वाली होती है चमकीली होती है तो वो शाम के टाइम पे या नाइट के टाइम पे वो बना रहे हैं तो वो घूंघट जो है या जो बुरखा है जो भी बना रहे हैं शादी का जो जोड़ा है सो तो वो इस तरह से लाइट वाला बना रहे हैं ब्राइट वाला बना रहे हैं सो अगेन मैं रीड करती हूँ वेवर्स वेविंग एट फॉल फॉल ऑफ नाइट वाई डू यू वेव अ गार्मेंट सो ब्राइट क्यों इतना चमकीला बना रहे हो लाइक द प्लम ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी वेव्स द मैरिज विल ऑफ अ क्वीन इस तरह रानी की शादी के लिए वो कपड़े बना रहे हैं फिदर एंड व्हाइट एज द क्लाउड वी वे देट मैन फ्यूनरल श्र इसका मतलब है की इतने शांत और चुप होकर तुम इससे इतनी जो है ठंड है या चांद की रोशनी में क्या बना रहे हो यहाँ पे जो सरोजनी नायडू जो है क्वेश्चन पूछ रहे शांत और गंभीर होकर और इतनी ठंड में इतनी ज्यादा ठंड है और चांद की इतनी रोशनी में क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो या क्या तुम बना रहे हो और जो ऐसे इस, लग रहा है कि किसी पक्षी का पंख है या जो है बादल की तरह सफेद है So, यहाँ पर जो है जो कपड़े बनाते हैं जिन्हें जूलहा कहते हैं वो वो जवाब देता है कि मैं जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है उसके लिए कफन बुन रहा हूं या बना रहा हूं सो so, स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इस पोइट्री में तीन स्टेजेस दिए हैं फर्स्ट जो स्टैंडा है वो एक न्यू बॉर्न बेबी के बारे में है सेकेंड जो स्टैंडा है वो मैरिज के बारे में है या यूथ के बारे में है जब यंगस्टर होते हैं शादी के बारे में तो हम जब बेबी बॉर्न होता है तो हम उसको एकदम सॉफ्ट कपड़े पहनाते हैं एकदम जो है मुलायम कपड़े पहनाते हैं अच्छे वाले जो जिससे बेबी को कोई जो है आ, कोई प्रॉब्लम ना हो हम उसको बहुत अच्छे से सॉफ्ट वाले कपड़े पहनाते हैं और यहाँ पे यंगस्टर के लिए है एकदम शाइनिंग वाले ब्राइट कपड़े कलरफुल कपड़े तो जब हम यूथ होते हैं जवान होते हैं तो हम एकदम शाइनिंग वाले कपड़े पसंद करते हैं और यहाँ एंड में जो है डेथ का या फ्यूनरल के बारे में बात की गई है डेथ मैन का फ्यूनरल के उसके कफन के बारे में जो कि एकदम प्लेन है वाइट है सो so यहाँ थ्री स्टेजेस हम देख सकते हैं एक जो है बॉन्ड बॉर्न स्टेज है एक मिडल युवा स्टेज है एंड यहाँ पे ओल्ड एज है सो स्टूडेंट सरोजनी नायडू ने इस पोयम में तीन स्टेजेस के बारे में एक्सप्लेन किया है। लुक एट द फर्स्ट एंसर वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे अन चाइल्ड हैव यू एवर नोटिस द कलर्स वी चूज फॉर न्यू बॉर्न बेबीज क्लोथ वाई डू यू थिंक वी चूज दिस कलर्स इन दिस इन द फर्स्ट एंजर द पोएट सरोजनी नायडू डिस्क्राइब वेवर्स सो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हम फर्स्ट बॉर्न बेबी के लिए किस तरह के कपड़े चूज करते हैं वेविंग क्लोथ्स in the early morning she asked the weavers why are they waving a clo clothes of a particular color so they say that the clothes that they are waving in the color of a halcon wings it is beautiful blue because it will be used for making the clothes of a newborn newly born child okay then second stanza weavers waving at fall of night will of a queen, so already I ex uh, explained. Kya hai ye. In this stanza, the poet asks the weavers why they are waving a cloth late uh, in the evening. She asks why it is so bright and colorful. So the weavers tell her that the cloth is a brightly and uh, richly colored, like the uh, feather of peacock, because they are waving.

in the above stanza the poet asked the weaver what they are waving late in the night the weavers replied that they are waving a thin white clothes to what you have learned in this poem you read about the different stages of life that bring

और उन्हें बहुत केयर करते हैं देन मिडिल जो लाइफ है या हम बोल सकते हैं जब हम यूथ होते हैं तो यूथ में जो हम बहुत ब्राइट वाले कपड़े पहनते हैं एंड मैरिज के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है सरोजनी नायडू ने देन एंड ऑफ द लाइफ या ओल्ड एज जिसमें हम कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट हम कलर्स चूज करते हैं और जब किसी की डेथ हो जाती है तो मोस्टली वाइट कपड़े यूज होते हैं सो स्टूडेंट आई होप दिस पोएम यू अंडरस्टूड Okay, thank you.